नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बच्चों का वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के लिए एक्शन प्लान तैयार। बिहार में मिले कोरोना के 25 से ज्यादा मामले। बिहार में आज और कल हल्की बारिश के आसार। बिहार लोक सेवा आयोग की मोटरयान निरीक्षण भर्ती परीक्षा की डेट जारी। बिहार में हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली के लिए बीपीएससी जल्द निकालेगा विज्ञापन। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग मोटरयान निरीक्षक भर्ती परीक्षा की डेट जारी। मोटरयान निरीक्षण भर्ती 2021 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग के मोटरयान निरीक्षण भर्ती 2021 परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है। बीपीएससी एमवाई पदों पर भर्ती के लिए होने वाले परीक्षा का आयोजन 5 मार्च 2022 और 6 मार्च 2022 को किया जाना है। बीपीएससी मोटरयान निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर परीक्षा डेट चेक कर सकते हैं। इस संबंध में बीपीएससी की तरफ से 27 दिसंबर को ही सारी जानकारी साझा कर दी गई है। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेगी टीचर की रंगीन फोटो। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति चर्चा का विषय बन रही है, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायत आती है कि बच्चे तो स्कूल पहुंच गए हैं लेकिन शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच सके हैं। ऐसे में बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के पूरे दिन उपस्थिति सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार ने उनकी तस्वीर स्कूल के सूचना पट पर लगवाने का फैसला किया है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक सभी विद्यालयों में सूचना पट पर वहां के शिक्षकों की रंगीन तस्वीर लगाई जाएगी। तस्वीर के साथ ही उनके नाम, पदनाम और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, जिसे छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक अपने शिक्षकों को पहचान सके। इसके साथ ही शिक्षकों की विद्यालय में नियमित रूप से पूरे दिन की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में आज और कल हल्की बारिश के आसार। बिहार में ठंड के बीच हल्की बारिश को लेकर संभावना जताई गई है, जिसके तहत मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार और बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। बिहार के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है और पूर्वा के लगातार प्रवाह से बारिश की अनुकूल स्थिति बनी हुई है। मौसमविदों के अनुसार कई हिस्सों में मध्यम तो कहीं ही हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने के भी आसार है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट और 29 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सूबे में एक दो जगह बिजली गिरने की भी घटना हो सकती है। विशेषकर राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम के जिलों में मेघ गर्जन की स्थिति बनेगी। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम बिहार और इसके आसपास बना हुआ है। बिहार में मिले कोरोना के 25 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में बिहार में कुल मिलाकर 26 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 116 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो गया में 2, कटिहार में 1, मुंगेर में 10, पटना में 11, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दूसरे राज्य से आए 1 सैंपल की पुष्टि भी हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,636 सैंपल की जांच की गई और 7 मरीज इस दौरान ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली के लिए बीपीएससी जल्द निकालेगा विज्ञापन। बिहार में हेडमास्टर और हेड टीचर की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी करने वाला है। सरकार का दावा है कि हेड टीचर और हेडमास्टर की नियुक्ति से सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने 46,838 प्राथमिक और माध्यमिक उच्च शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर और हेड टीचर की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ईटीवी भारत को बताया है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव समान शासन विभाग के जरिए बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के दोनों निदेशालय ने अलग अलग अधियाचना तैयार की है, जिसके बाद ही अब जनवरी में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्तियां जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। इन शहरों से बिहार आने वाली 8 ट्रेन कैंसिल। किसान आंदोलन के कारण उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशन से चलाई जाने वाली कई ट्रेनों को निस्तारीकरण और शॉर्ट ओरिजिनेशन किया गया है। बता दें कि इसमें अमृतसर जयनगर कोलकाता जमुतवी हावड़ा अमृतसर पटना जमुतवी अर्चना एक्सप्रेस समेत 19 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पंजाब से आने वाली लगभग ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, जिसकी पूरी सूची रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है।
शराबबंदी के मामले में स्पेशल कोर्ट जरूरी। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी की सफलता के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में जो बड़े प्रशासनिक बदलाव किए उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। इसके साथ ही शराबबंदी कानून से जुड़े मुकदमों का बोझ कम करने के लिए 75 विशेष अदालतें गठित करने का फैसला सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि ऐसे मामले जल्द निपटाए जाने चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर ही किसी नेक कानून को जनता में स्वीकार्य बना सकती है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां समाज सुधार और राजनीति साथ साथ चलती है। बिहार में बच्चों का वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के लिए एक्शन प्लान तैयार। बिहार समेत देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि अभी तक बिहार के लिए राहत की बात यह है कि बिहार में ओमिक्रॉन के मामले की एक भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सरकार एहतियाती कदम उठा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बाबत अब अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से बिहार में बच्चों को वैक्सीन और 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जाना है। केंद्र की हरी झंडी मिलते ही हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। बिहार सरकार पूरी तरह तैयार है। अभी हम लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने को कह रहे हैं, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ी तो सख्ती बरती जाएगी। हम पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था कर चुके हैं और बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। तेजस्वी के विधायक बच्चा पांडे और उनके भाई पूर्व MLC टुन्ना पांडे पर केस दर्ज। राजद विधायक बच्चा पांडे और उनके भाई पूर्व MLC टुन्ना जी पांडे मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों भाइयों के खिलाफ दरौली थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बच्चा पांडे बड़हरिया विधानसभा से विधायक है और उन्हें तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में माना जाता है। वहीं इस मामले की बात करें तो उनके खिलाफ ये शिकायत चचेरे भाई राकेश पांडे ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। दरौली पुलिस के अनुसार बच्चा पांडे के चचेरे भाई राकेश पांडे ने थाने में आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने विधायक और उनके भाई पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। बताया गया है कि पूर्व में भी टुन्ना पांडे के द्वारा भाई राकेश पांडे को फोन पर धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ था। केंद्र की टीम आज जिलों में कर सकती है रैंडमली जांच। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते कुछ जिलों से आ रहे मामलों को देखकर कोरोना के मामलों में अन्य राज्यों में हो रही बढ़ोतरी का अंदाजा बिहार में भी लगाया जा रहा था, जिसकी जांच के लिए ही केंद्र की टीम बिहार में जांच के लिए आई हुई है। केंद्रीय टीम ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद देर रात खत्म हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने साथ सभी बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे थे। बैठक में सभी जिला के सिविल सर्जन से केंद्रीय टीम ने फीडबैक लिया। स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि सारी तैयारियों का खाका केंद्रीय टीम को दे दिया गया है और उन्होंने तैयारियों पर अपनी संतुष्टि जाहिर की है। वहीं आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाके में रैंडम जांच की बात कही है। इस दौरान जिलों में भी जांच की व्यवस्था होने की जानकारी उन्हें दी गई है। अरुण जेटली की जयंती पर नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की जयंती है। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था। साल 1952 में जन्मे अरुण जेटली को राजनीतिक करियर दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। वहीं आज उनकी जयंती पर कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल चौहान, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित कई नेता मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अरुण जेटली के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी नजदीकी संबंध रहे थे। दिवंगत अरुण जेटली नीतीश कुमार की बातों को हमेशा से मजबूती से रखते रहे हैं। देश के 135 प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर मोतिहारी। बिहार में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आलम कुछ यूं है कि बिहार में प्रदूषण का स्तर कई महानगरों में भी ज्यादा हो गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रदूषित शहरों की जारी की गई सूची में पूर्वी चंपारण का मोतिहारी जिला पहले स्थान पर आया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट काफी चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार मोतिहारी शहर की हवा काफी जहरीली हो गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 135 शहरों के एयर क्वालिटी का जांच किया है। उसके मुताबिक देश सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मोतिहारी पहले पायदान पर है। मोतिहारी शहर का एयर इंडेक्स क्वालिटी 398 मापा गया है, जो काफी खतरनाक स्तर माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मानक 0 से 50 के बीच काफी बेहतर माना जाता है। नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर फटने की जांच करने पहुंची राजद की टीम। हाल ही में मुजफ्फरपुर के बेला क्षेत्र स्थित नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना हुई थी, जिसके बाद लगभग 10 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट आई थी। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। अब इस मामले में जांच की टीम गठित कर दी गई है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष राय शाहिद इकबाल मुन्ना के नेतृत्व में 13 सदस्यीय जांच दल ने सोमवार को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज और घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया। जांच दल ने घटनास्थल का जायजा लेने के उपरांत
यह पाया कि घटना के 30 घंटा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक घटनास्थल पर मलबा को नहीं हटाया गया है। उम्मीद यही है कि जांच दल बिहार सरकार से यह मांग करेगी कि जान गंवाने वालों की सही संख्या का पता लगाने के लिए और बॉयलर के फटने का सही कारण का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया जाए। वहीं आश्रितों को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। कोरोना की चपेट में आए बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली। बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि उन्हें कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो डॉक्टरों की निगरानी में है। देश में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि सौरभ गांगुली को साल के शुरुआती महीने में भी तबियत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जनवरी 2021 में सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक भी आया था। इसके कुछ दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। सौरभ गांगुली के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के तुरंत बाद मीडिया में फैंस द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। लोग उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। बता दें कि सौरभ गांगुली भारतीय टीम के सफलतम कप्तानों में गिने जाते हैं। पटना में लाखों रुपए रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार। सरकारी नौकरी सभी लोगों के मन को खूब लुभाती है, क्योंकि सरकारी नौकरी की ही आड़ में कई लोगों को धन कुबेर बनने का मौका जो मिलता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से आ रहे मामले को देखकर तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हालांकि इन मामलों की संख्या में कोई कमी तो नहीं हो रही, लेकिन धन कुबेरों के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह सुबह पटना में एक कार्यपालक अभियंता को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के खिलाफ मिली शिकायत के बाद गुप्त सूचना पर निगरानी की टीम ने छापेमारी की और उसे 8 लाख रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजेश कुमार पटना के कंकड़बाग स्थित नूतन अपार्टमेंट में रहते हैं। निगरानी टीम ने उनके आवासीय परिसर में छापेमारी की, उसे रुपयों के साथ घर दबोचा। आरोपी कार्यपालक अभियंता के आवासीय परिसर पर निगरानी अन्य प्रकार की छानबीन में जुटी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय कुमार, नरेश कुमार, प्रियंका कु, निकिता कुमारी, गजेंद्र सिंह, मिथुन कुमार पंडित, शंकर मुखिया, नजीर एम्ब्रॉयडरी, अमित सिंह, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर क्या बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।